नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पानी पूरी के लिए मीठा पानी। जब भी आप चाट के ठेले पर जाते हैं, आपको दो तरह के फुलकी मिलते हैं, मीठा और खट्टा। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं आज मीठा पानी, फुलकी के लिए मीठा पानी। यहाँ पर हम बनाकर सर्व कर रहे हैं। देखिए, वैसे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी घर की बनी हैं। आपको भी यदि बनाना हो तो आप हमारे चैनल के चार्ट के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। एक और आप खाइए, ये आपके लिए है। प्लीज़ बनाइएगा और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। मीठा पानी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है गुड़। गुड़ आप अपने मीठे पतले गाढ़े के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ठंडा पानी और फिर से हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसे गर्म पानी में चाशनी की तरह भी बनाकर यूज कर सकते हैं। अभी ये जो वाइट झाग दिख रहा है ये हट जाएगा थोड़ी देर में। अमचूर चटनी, यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये है भुना हुआ जीरा। काली मिर्च को हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, फिर उसे पीस लिया है। काली मिर्च को भी ज़रूर ऐड करिएगा। और यहाँ पर आपको दो चीज़ और बताएंगे ऐड करने के लिए, वो है सौंठ और दूसरा है आपके पास में सौंफ। सौंठ और सौंफ से जो गुड़ के साथ कॉम्बिनेशन बनता है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ एक बार इस तरीके से बनाइएगा और बनाने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, हम पतला बना रहे हैं। आप चाहें तो इसे गाढ़ा ही रखें, ये हमारी थिकनेस है पानी की। यहाँ पर हम थोड़ी से बूंदी डाल देंगे। देखिए अब आपको वाइट झाग यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बूंदी डाल देंगे और फिर फुल्की के साथ इंजॉय करेंगे। तो बनाइएगा, खाइएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।